चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड एक्शन स्टार सनी देओल, बॉबी देओल और उनके पिता धर्मेंद्र की स्टारर फिल्म यमला पगला दीवाना बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित रही थी। फिल्म को दर्शकों ने बेहद ही ज्यादा पसंद किया था, जबकि यमला पगला दीवाना का दूसरा पार्ट एवरेज ओपनिंग के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कलेक्शन नहीं कर पाई थी। रिपोर्ट की माने तो अब देओल फैमिली एक बार फिर से यमला पगला दीवाना का तीसरा पार्ट लेकर बॉक्स ऑफिस पर छाने को बिल्कुल तैयार है। जी हाँ, फिल्म यमला पगला दीवाना 3 जल्द ही फ्लोर पर आ चुकी है। हैदराबाद में 10 अगस्त से फिल्म की शूटिंग जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। फिल्म का पहला तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है। फिल्म का पहला पोस्टर जारी होते ही सोशल मीडिया पर भारी मात्रा में शेयर किया जा रहा है। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं बॉबी देओल और धर्मेंद्र एक साथ देखे जा सकते हैं। फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं पंजाबी फिल्म मेकर नवनीत सिंह, जबकि पोस्ट प्रोडक्शन का जिम्मा संभाला है खुद सनी देओल ने। यह फिल्म भी पहली दोनों फिल्मों की तरह कॉमेडी के साथ साथ एक्शन और इमोशन से भरपूर फिल्म होगी। ताजा खबरों की माने तो बॉबी देओल के अपोजिट काजल अग्रवाल को फिल्म में साइन किया गया है। अब देखना यह हुआ कि यमला पगला दीवाना 3 भी क्या दोनों फिल्मों की तरह ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी।